दोस्तों, अब आ रहा है Vivo Nex 3। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, फोन के कुछ लीक्स निकल के आ चुके हैं, जो कि दोस्तों ऐसा डिजाइन में हमको देखने को मिल जाता है। और इसमें हमको बैक साइड में टिपर रियर कैमरा देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों तीन के तीन कैमरा हमको एक सर्कल के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोस्तों दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों हमको Vivo Nex 3 में 120 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्टेड देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों लगभग 13 मिनट में बैटरी को 0 से 100% तक फुल चार्ज कर देता है, जो कि दोस्तों खुद में एक कमाल की बात होने वाली है। और दोस्तों Vivo हमेशा की तरह एक इनोवेटिव फोन लाता है, जैसे कि हमने इससे रिसेंट फोन देखे थे Vivo Nex 1, Vivo Nex 2 और अब यहाँ पे Vivo Nex 3 आ रहा है, जहाँ पे दोस्तों हमको कोई भी फिजिकल बटन देखने को नहीं मिलते और कोई भी इसमें हमको होल देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों है ना बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग फोन, और आपको इससे ज्यादा खुशी होगी जब आप इसके पूरे स्पेक्स जानोगे। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो को आपसे देखते रहना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं Vivo Nex 3 के स्पेक्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हमको डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.8 इंच का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, और साथ ही दोस्तों ये होने वाला एक सुपर लुमिनेट डिस्प्ले, और साथ ही इसमें हमको एक इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर बात करूं डिस्प्ले डिजाइन की, तो यहाँ पे कोई भी हमको पंच होल डिस्प्ले या फिर पॉप सेल्फी कैमरा देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे दोस्तों हमको कैमरा डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आजकल शॉमी और ओपन ने शोकेस किया था, जिसमें हमको डिस्प्ले के अंदर कैमरा देखने को मिल जाता है। और हमेशा से ही Vivo हमको फोन एकदम फ्यूचर वाले फोन देता है, जिसमें दोस्तों हमको बहुत ही कमाल की डिस्प्ले कैमरा और स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इस फोन में हमको देखने को मिलता है 120 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि दोस्तों आज तक किसी भी फोन में हमको देखने को नहीं मिलता है, और साथ ही ये फोन सपोर्ट करता है 5G नेटवर्क को, जो कि दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है। और दोस्तों अगर भी बात करूं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों अभी तक का एकदम लेटेस्ट प्रोसेसर और सबसे पावरफुल चिप है। और दोस्तों साथ ही ये सपोर्ट करता है क्विक चार्ज 4 को, जहाँ पे हमको दोस्तों देखने को मिलता है 120 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट, और कोई भी हमको इसमें हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप पबजी लवर हो तो आपके लिए परफेक्ट फोन होने वाला है। साथ ही ये प्रोसेसर एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जिसमें दोस्तों हमको 2 कोर रन करते हुए देखते हैं 2.9 GHz पे, और बाकी के 2 कोर रन करते हैं 2.4 GHz पे, और बाकी बचे 4 कोर रन करते हैं 2.0 GHz पे, जो कि दोस्तों हमको एकदम बैलेंस से बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस दे देते हैं। और यहाँ पर हमको बैटरी देखने को मिलती है 4500 mAh की बड़ी बैटरी, जो कि दोस्तों आता है फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और साथ ही हमको बॉक्स में 120 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों खुद में एक कमाल की बात होने वाला है। और ये होता है टाइप सी पोर्ट के साथ, जहाँ पे दोस्तों हमको बहुत ही कमाल की चार्जिंग स्पीड देखने को मिल जाती है। और अगर मैं बात करूँ इस फोन के कैमरा के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे हमको बैक साइड में टिपर रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे दोस्तों हमको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है एक 64 MP का कैमरा, जो कि दोस्तों होने वाला है सैमसंग का GM2 सेंसर, जो कि दोस्तों एकदम लेटेस्ट सेंसर है और बहुत ज्यादा कमाल का है। यह F1.8 एपर्चर पे बेस्ड है, जो कि दोस्तों हमको लो लाइट में बहुत ही कमाल की फोटोज और वीडियो दे देता है, और अगर आप कैमरा लवर हो तो आपके लिए परफेक्ट फोन होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और स्लो मोशन को भी सपोर्ट देता है। और अगर फिर बात करूं सेकंड कैमरा के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 12 MP का टेलीफोटो लेंस, जो कि दोस्तों हमको बहुत ही कमाल का 10x का ऑप्टिकल जूम दे देता है, और ये F2.2 एपर्चर पे बेस्ड है। साथ ही यहाँ पे हमको थर्ड कैमरा भी देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों होने वाला है 20 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि दोस्तों 2.2 एपर्चर पे बेस्ड होने वाला है, और साथ ही हमको बहुत ही कमाल की अल्ट्रा वाइड फोटोज और वीडियो दे देगा। और दोस्तों अगर फिर बात करूं फ्रंट कैमरा के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 40 MP का फ्रंट कैमरा, जो कि दोस्तों हमको बहुत ही कमाल की सेल्फीज दे देगा, और ये होने वाला है डिस्प्ले के अंदर। दोस्तों यहाँ पे हमको बैक और फ्रंट दोनों कैमरा बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं, ये स्पेशली कैमरा लवर के लिए भी बनने वाला है। और अगर मैं बात करूं इस फोन की बिल्डिंग क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिलता है बैक साइड में ग्लास बैक, जो कि दोस्तों होने वाला है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्ट के साथ, और यहाँ पे हमको बहुत ही कमाल का दिखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों दिखने और फील में एकदम प्रीमियम लगता है। और अगर फिर बात करूं सिम कार्ड स्लॉट की, या तो हाइब्रिड सॉल्यूशन के साथ, जिसमें दोस्तों हम एक सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों है ना बहुत ही कमाल का फोन, एकदम फ्यूचर वाला फोन होने वाला है। और दोस्तों आपको ये फोन कैसा लगा वो हमको नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और आप कौन सा फोन यूज कर रहे हैं वो भी हमको नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में, यहाँ पे दोस्तों इस फोन की प्राइस बहुत ज्यादा होने वाली है। यहाँ पे हमको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे दोस्तों हमको बेस वेरिएंट देखने को मिलता है 6 GB रैम और 128 GB रोम के साथ, और दोस्तों यहाँ पे इसकी 45 से 46 हजार रुपए होने वाली है। और अगर फिर बात करूं सेकंड वेरिएंट की, इसमें हमको देखने को मिलता है 8 GB रैम और 256 GB रोम के साथ, और दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइस 60 से 62 हजार रुपए होने वाली है। और अगर फिर बात करूं थर्ड वेरिएंट की, तो दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 10 GB रैम और 500 GB रोम के साथ, और दोस्तों यहाँ पे इसकी प्राइस 70 से 80 हजार रुपए के आसपास रहने वाली है। तो दोस्तों आपको कौन सा वेरिएंट अच्छा लगा वो हमको नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर फिर बात करूं इस फोन की लॉन्च डेट के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे इसकी लॉन्च डेट अभी तक बाहर नहीं निकल के आई है, और जैसे इसकी लॉन्च
लॉन्चर बाहर निकल के आएगी तो मैं आपको नया वीडियो देख के बता दूंगा। और आपको फोन और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और मेरे चैनल के साथ अपडेटेड रहना, क्योंकि दोस्तों मैं आपको अपडेट्स देते रहता हूँ।